अच्छा ये वाला घर है मित, हाँ ये वाला घर आ रखा है, बढ़िया लग और रहा है, जंगल है बढ़िया से पास बिल्कुल में। फॉरेस्ट व्यू से लगा हुआ, साफ और सुथरा, नीट एंड क्लीन। फेसिंग क्या होगी इसकी, फेसिंग इसकी पड़ेगी नॉर्थ ईस्ट, कितने गज में है? ये लगभग 310 गज के आसपास है। 310 गज। हाँ घर तो बढ़िया लग रहा है, घर लैंड अच्छा साइज भी है, बढ़िया है इसका। 3 BHK हाउस है। फ्रंट कितना होगा इसका लगभग, तकरीबन 35 के आसपास होगा, 35। कितना पुराना है मकान ये, 7-8 साल? ये तकरीबन हाँ 8 साल के आसपास का है। फेसिंग धूप एट बढ़िया आ ईयर्स रखी है। धूप अच्छी है बहुत, और पार्किंग बहुत बढ़िया है, हाँ और ये के आसपास भी पूरे घर बने हुए ना? और बिल्कुल रोड बगल में है। अच्छा मेन रोड से नज़दीक है हाँ ये, 30 मीटर 40 मीटर पे रोड है। 30 मीटर पे है। हाँ चलो बढ़िया यार, मतलब किसी को अपने लिए चाहिए तो बढ़िया है ये घर, पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़। क्योंकि ओपन एरिया है, आगे लॉन एरिया है, पार्किंग हाँ बहुत बड़ी है, पीछे किचन गार्डन भी है, अच्छा वो सामने समरसेबल भी कर रखा है समरसीबल। हाँ इसी घर का है, पर्सनल, और सबसे अच्छी बात है कि डेड एंड है, इसके इसके बाद बाद फॉरेस्ट फॉरेस्ट ओपन है, ओपन। हमेशा ऐसे ही रहेगा ये। आ जाओ आ जाओ अंदर दिखाते हैं, जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, लॉन भी यहाँ पे। लॉन भी है यार, मतलब ये स्पेस अच्छा छोड़ रखा है, मतलब किसी को अगर जैसे गाड़ियों की पार्किंग भी बनानी ना तो ये कर सकता है कि गेट लंबा कर लो, 1 2 3 4, तीन चार बस गाड़ियाँ आराम से आ जाएंगी। जो जो किचन गार्डनिंग के शौकीन है, जिनको खेती करनी है, तो छोटा मोटा उगा सकते हैं, यहाँ भी पीछे है भी है, पीछे भी है। पीछे भी खुला है, बहुत खुला है पीछे, और फिर ज़मीन से उठा के बना रखा, मार्बल फ्लोरिंग है पूरी है। देखो गेट पे ही तुलसी लगा रखी है, अच्छा कितनी हरी सुन भरी है। अंदर कमरे कितने होंगे, 3 कमरे, बाथरूम 3 बाथरूम, और किचन दो है या एक? किचन एक है। एक किचन, हाँ और ये वाला पार्किंग है। ये पार्किंग हुई। अच्छा ये मोटर भी है इसमें, हाँ मोटर भी, अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी है ना। ये वाला। हाँ अच्छा एक एंट्री ये है और एक एंट्री सामने फ्रंट से थी, से बिल्कुल। दोनों तरफ इधर से भी कर सकते हैं एंट्री है, यहाँ से चले गए सीढ़ी फर्स्ट फ्लोर के लिए। बिल्कुल। अच्छा ये है किचन गार्डन, ये किचन गार्डन है। यार मुझे पता क्या चीज़ बढ़िया लगी यहाँ पे, ये सबसे बढ़िया, इसकी कोई प्राइस नहीं है सच में, बिल्कुल हमेशा ऐसे रहेगा, ग्रीन फॉरेस्ट, व्यू के नज़दीक, मतलब ये 5 मिनट प्राइसलेस में है। आप यहाँ यहाँ से आई में पहुँच जाओगे, 5-10 मिनट में, बिल्कुल बिल्कुल, है दस ना मिनट में इतना नज़दीक है। हार्डली अच्छा हार्डली। लोकेशन पता है कौन सी है, लोकेशन है बड़ो वाला, एक गेट यहाँ पे भी दे रखा है जैसे। ये जंगल में खुलेगा फॉरेस्ट की तरह। हाँ ये बढ़िया है, हाँ जंगली जानवर तो नहीं आते यहाँ? ना ना, अच्छा सिर्फ बंदर आएंगे, बंदर तो खैर हर आपका जगह एंटरटेन है, करेंगे। आते भी कहाँ, भी तो नहीं दिख रहे कोई बंदर, खुली खुली बना रखी ना चारों तरफ, खुला है, हाँ पूरा वेंटिलेटेड है, समरसेबल है, 3 बेडरूम है, क्या चाहिए। और बस अंदर की कंडीशन भी बढ़िया है, हमने काफ़ी देखा है, अच्छी पर है। ये है कि अभी फैमिली पूरी उसी में रहती है ना घर के अंदर ही, घर भी पूरा जो फ्लोरिंग है मार्बल की है। ये कि ये भी अच्छा कर रखा वाटर प्रूफिंग ना, हाँ ये दाने पोत रखे हैं, जो दाने पोत रखे हैं। खिड़कियाँ भी अच्छी दे रखी हैं, इधर भी एक वॉशरूम है, दो शायद अंदर है और एक बाहर है, एक बाहर है, ऐसे है। यहाँ से एक बेडरूम का रास्ता है ना ये वाला। अच्छा पीछे से भी हाँ है एक एंट्री और है, पर तो ये, बोलो क्या बोलो। वाटर प्रूफिंग कर रखी है, ये वाटर प्रूफिंग है, अच्छा ये भी बढ़िया लग रहा है, यूनिक सा। पूरे फ्लोरिंग की भी कर रखी नीचे। हाँ आसपास तो बहुत घर बने हुए हैं यार, आसपास हाँ बीम कॉलम का ही पूरा स्ट्रक्चर ना, पूरा स्ट्रक्चर एक कॉलम बेस्ड है। कॉलम 2 3 4, मुझे तो हाँ 10-12 कॉलम है इसमें, हाँ कुछ कवर्ड हो मीटर गए भी होंगे 1800 के आसपास, 1800 स्क्वायर फीट, तकरीबन, खुला है बढ़िया ना, है काफ़ी खुला खुला है, बना हुआ है। ये देखो ना कितना बढ़िया है लग रहा, ग्रीन ग्रीन, मतलब मुझे तो सबसे बढ़िया चीज़ यही लगी यार, क्योंकि फॉरेस्ट का है ना, रिजर्व फॉरेस्ट है, बिल्कुल यहाँ तक तो रजिस्ट्री की ज़मीनें हैं, सब रजिस्ट्री का है इसका, बाकी जब घर बन रखा तो ऑब्वियस ही बात है कि प्रॉपर्टी लीगल ही है, और बगल में, लोन वगैरह हो जाएगा इसमें? बिल्कुल बगल में दिल्ली वाला एक्सप्रेसवे आ रहा है, हाँ वो 2.5 घंटे वाला आ रहा है, बिल्कुल 1 किलोमीटर आगे। जो दिल्ली से देहरादून आ रहा है ना 2.5 घंटे वाला, वो यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर पर मिल जाएगा, और जो सड़क है मेन सड़क वो यहाँ से 30-40 फिट पे है, फिट नॉट अ मीटर, फिट, तीन प्लॉट बस छोड़ के मेन सड़क, आई में जाओ, प्रेमनगर जाओ, घंटाघर जाओ, बल्लूपुर जाओ, ISBT जाओ, कहीं भी कहीं भी, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, हॉस्पिटल जाओ, सब नज़दीक है, मतलब 10-15 मिनट में आप हर जगह पहुंच जाओगे। रोड पे ही दुकानें हैं सारी। हाँ अब रोडें जैसी चौड़ी होंगी उसके बाद और बढ़िया हो जाएगा, मेन चीज़ ये है, तो ग्रैब करो इस डील को, ऐसा घर नहीं मिलेगा अच्छी डील दोबारा, है, बहुत अच्छी डील है, सच में बहुत बढ़िया डील है, अच्छी डील है। डील दो सेंस पे बढ़िया लगी मुझे, एक तो ये जो लोकेशन है, इसका तो और कोई प्राइस ही नहीं है, ये तो हाँ प्राइसलेस है, और मेन रोड से नज़दीक है, बिल्कुल ऊपर से गाड़ी की ओपन, पार्किंग है। काफ़ी ओपन अच्छा प्रॉपर्टी बंदर है। बोले तो बंदर दिख गए थे, छोटे छोटे बच्चे हैं तो सामने कोई डर नहीं है वैसे बंदर, क्योंकि इतने सारे घर बने हुए हैं, आसपास लोग रह हाँ रहे हैं तो कोई डर नहीं है, बाकी क्या चाहिए यार, 3-4 गाड़ी की पार्किंग है, अंदर खड़ी हो जाएंगी आराम से, फॉर्चुनर जैसी गाड़ी आ जाएगी आराम से, इतना बिल्कुल, बढ़िया है, ये वाटर प्रूफिंग कर रखी है, और 7-8 साल पुराना मकान है ये। सीपेज नहीं है बिल्कुल भी। हाँ सीलन हल्की फुल्की है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है कि इसमें अगर कोई 50,000 1 लाख रुपये का खर्चा करेगा तो बिल्कुल हाँ ब्रांड न्यू जैसे हो जाएगा, कंप्लीट, क्योंकि क्योंकि सब कुछ तो अंदर अंदर कलरिंग की जरूरत नहीं है, बाहर से एक बार करना पड़ेगा दूसरा फ्लोर उठा लो, ये कॉलम बने हुए हैं ये देखो, बस। ये कॉलम है, वो है, वो है, और वो है, रेंटल भी देना मुझे चाहें लगता है कि तो 15 के आसपास है इसमें कॉलम। प्रॉपर्टी रेंट पे भी अच्छी चढ़ जाएगी यहाँ पे, हाँ क्योंकि जस्ट रोड के पास देखो में ना है। कितनी सारी कोठियाँ बनी हुई हैं आसपास, हाँ धूप बढ़िया, प्रॉपर्टी में धूप बढ़िया है,
और सब जगह नज़दीक हैं। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है योगेश और मेरे साथ है अमित बड़ोला जी, ठीक है? तो लाइक कर दो, नीचे नंबर दिया हुआ, वहाँ जाके कॉल भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।